सब्सक्राइब कीजिए टेक क्रेज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल में असली विंडो 10, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 कोई भी विंडो आप इंस्टॉल कर सकते हो बिल्कुल असली, कोई भी एंड्रॉयड ऐप के ज़रिए। आप वो जो लॉन्चर होते हैं वो नहीं है, बिल्कुल रियल मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ विंडो इंस्टॉल करने का। उसके बाद आप तमाम कंप्यूटर की एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में चला सकते हो, तमाम गेम्स, यहाँ तक कि GTA 5 आप अपने मोबाइल में खेल सकते हो। 100% गारंटी देता हूँ मैं, आप अपने मोबाइल में GTA 5, GTA 4, GTA San Andreas, उसके अलावा तमाम कंप्यूटर वाली गेम्स आप अपने मोबाइल में चला सकते हो। तो गाइज़, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है आप आज की। गाइज़ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज़, आपने जाना है अपने मोबाइल में और वहाँ पर आपने गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। गूगल प्ले स्टोर से आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। गाइज़, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रोसेस, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, आप इजीली इसको कर लेंगे। सबसे पहले आपने जाना है गूगल प्ले स्टोर में, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप मुझे फॉलो करें। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने यहाँ पर एक ऐप को सर्च करना है, उस ऐप का नाम है स्प्लैश टॉप। ये ऐप आपने सर्च करनी है गूगल प्ले स्टोर से। ये देखें कुछ इस तरीके से ये ऐप है, स्प्लैश टॉप 2 रिमोट डेस्कटॉप। 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं, 4.5 की रेटिंग है। इस ऐप को गाइज इंस्टॉल कर लें और उसके बाद इसको आपने इस तरह से ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास स्प्लैश टॉप का लोगो आएगा। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आप यहाँ पे इसको लॉगिन करना चाहते हैं, लेकिन आपका अकाउंट नहीं होगा इस वक्त इस एप्लीकेशन के ऊपर। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो इसलिए ये लॉगिन इन का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास अकाउंट नहीं होगा, आपने अकाउंट बनाना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से अकाउंट बना सकते हो, वरना मैं आपको आगे PC में भी प्रोसेस दिखा रहा हूँ। आप मुझे फॉलो करें, आपको पूरा तरीका इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ पर मोबाइल का तरीका ख़त्म होता है, अभी आपने जाना है अपने कंप्यूटर में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ PC में आपने क्या क्या करना है। तो अभी हम यहाँ पर मोबाइल को कुछ वक्त के लिए साइड पर करते हैं। आप गाइज़ आ जाएं आप अपने कंप्यूटर में। कंप्यूटर में आने के बाद आपने गूगल ओपन करना है। गूगल में आपने स्प्लैश टॉप टाइप करना है, उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। जो पहला लिंक आएगा इसके ऊपर गाइज़ आपने क्लिक कर देना है। पहले लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने ऊपर यहाँ पर ध्यान दें गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक बिल्कुल न्यू पेज ओपन होगा। वहाँ पर आपने इसकी PC ऐप को डाउनलोड करना है। PC का इनका सॉफ्टवेयर है, उसको ये डाउनलोड करेंगे। आप बिल्कुल फ्री इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये देखें हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ गया हमारे पास। अगर आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं हो रही तो आप यहाँ पे हेयर पे क्लिक करें, स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, मैं ओपन फोल्डर पर क्लिक करूँगा। गाइज़ यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरीके से ये फाइल हमारे पास डाउनलोड होकर आती है। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, उसके बाद येस करना है और आपने सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसीलिए ये रिपेयर का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल करूँगा आपके दिखाने के लिए। नेक्स्ट इंस्टॉल के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा गाइज, फिर हम चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। अब हमारे पास गाइज फिनिश का ऑप्शन आ गया, हम इसको फिनिश करते हैं। और यहाँ पे ये देखें गौर से, यहाँ पे हमारे पास स्प्लैश टॉप लॉन्च हो गया। हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से स्प्लैश टॉप स्ट्रीमर हमारे पास लॉन्च हो चुका है। अब गाइज़ यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे अपना लॉगिन कर सकते हैं या अपना क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट। हम यहाँ पे क्रिएट स्प्लैश टॉप अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पर पासवर्ड देना है, यहाँ पर रिपीट पासवर्ड देना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपने ईमेल एड्रेस में जाकर इसको वेरीफाई कर लेना है, जैसे आप सिंपल फेसबुक का अकाउंट बनाते हो। गाइज़ मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट बना रखा है तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा इसके ऊपर और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपने आगे क्या करना है। जब मैं लॉगिन करूँगा तो थोड़ी देर लोडिंग के बाद मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाऊँगा अपने ईमेल एड्रेस से। आप इसमें बिल्कुल ट्रस्टेड है ये, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस देकर लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो प्रोसेस है मैं आपको वो दिखाऊँगा। आपने अब इसको मिनिमाइज़ कर देना है। अब बाकी सारा प्रोसेस हम करेंगे अपने मोबाइल से। अब फिर से एक दफ़ा चलते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल की तरफ। अब गाइज़ आपने स्प्लैश टॉप ऐप ओपन करनी है अपने मोबाइल में और उसको सेम इसी आईडी से लॉगिन कर लेना है। जो आईडी आपने कंप्यूटर में दी थी उसी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से आपने लॉगिन कर लेना जो आपने अकाउंट बनाया था। मैंने लॉगिन कर लिया है गाइज़। अब यहाँ पे मेरे पास सामने देखें डेस्कटॉप RQU21P, मेरे पास IP एड्रेस यहाँ पे एक आ रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना है गाइज़। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर देना गाइज। इसमें एक सिर्फ एक शर्त है कि आपका कंप्यूटर और आपका मोबाइल दोनों एक ही इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए
और ये नहीं है कि आप अपना मोबाइल डाटा पर यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद कंप्यूटर में आप जो है अपना PTCL का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। एक ही इंटरनेट कनेक्शन से आपके कंप्यूटर और आपका मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए। रिमोट डेस्कटॉप पे आप क्लिक करते हैं गाइज, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कुछ यहाँ पे हिंट्स एंड गेस्चर्स इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी आपके पास। यहाँ पे मोबाइल को मैं कर लेता हूँ रोटेट, और गाइस आप ये देखें इन इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ना चाहें पढ़ लें। आप इस तरह से जूम कर सकते हैं, इस तरह से डबल क्लिक कर सकते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अभी आप देख सकते हैं कि जो मैं अपने कंप्यूटर में करूँगा वो मेरे मोबाइल में होगा, और जो मैं अपने मोबाइल में करूँगा वो मेरे कंप्यूटर में होगा। यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा माय कंप्यूटर के ऊपर, तो यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में भी माय कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने कंप्यूटर के तमाम फीचर्स अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं गूगल क्रोम का प्रीमियम PC वर्जन यूज़ कर रहा हूँ अपने मोबाइल में। उसके अलावा मैं अपने तमाम चीज़ें एक्सेस कर सकता हूँ। जो भी गेम्स, जो भी फाइल्स, जो भी एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं, आप वायरलेसली बगैर किसी तार को कनेक्ट किए अपने मोबाइल में चला सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने GTA 5 अपने मोबाइल में चलानी है। मैं आपको GTA 5 रन करके दिखाऊंगा लाइव यहाँ पर, और उसके बाद मैंने इसमें जो कुछ वो दूसरी चीज़ें ब्राउज़र वगैरह चलाया है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये है तरीका, आप अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो। अपने कंप्यूटर की तमाम चीज़ें आप अपने मोबाइल में चला सकते हो 100% वर्किंग। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज की ये वीडियो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अब गाइज इसकी कुछ मज़ीद इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पे एक राइट साइड पे नीचे कॉर्नर में एक बटन मिलेगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस शो होंगे। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे कीबोर्ड का, आप यहाँ पे कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे विंडो बटन मिलता है, ये प्रेस करने से आप कंप्यूटर में आप नेविगेशन वगैरह ये तमाम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद कीबोर्ड के अलावा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एक, यहाँ पर आप माउस को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये कर्सर का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप यहाँ पे ट्रैक पैड सर्च ओके कर लें, सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप अपना माउस इस तरीके से अपने फिंगर से चला सकते हो यहाँ पे। ठीक है गाइज, तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है माउस वाली। यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हो, लेफ़्ट क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक के तमाम ऑप्शन मिलते हैं, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइज। ये आपको मुकम्मल कंप्यूटर की फीलिंग आएगी अपने मोबाइल में, और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है गाइज़। अगर आपका कंप्यूटर एक रूम में पड़ा है, आप दो तीन रूम छोड़कर दूसरे तीसरे रूम में जाकर भी इसको यूज़ कर सकते हो, मैंने यूज़ करके देखा है। आप अपने कंप्यूटर में गेम प्ले कर दें, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑफ़ कर दें और अपने मोबाइल में आप वो गेम खेलते रहें जहाँ मर्ज़ी, अपने घर में जहाँ तक आपका इंटरनेट चल रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको अगर आप काटना चाहते हो, इसको बंद करना चाहते हो, तो उसकी आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगी गाइज। इसी बटन पे क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, सॉरी आपने कीबोर्ड में नहीं जाना, तो हम यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर में, उसको डिसकनेक्ट के ऊपर ओके पे क्लिक कर दें, तो आपका यहाँ पे डिसकनेक्ट हो जाएगा, अपने मोबाइल में आप वापस आ जाएंगे। तो ये था तरीका गाइज़ कंप्यूटर में चलाने का। मैं आपको GTA 5 चला कर दिखाता हूँ, और दूसरे भी सॉफ्टवेयर जो हैं मैं वह चला कर दिखाता हूँ आपको। तो गाइज़ ये आप देख रहे हैं, मैं अपने मोबाइल के ऊपर GTA 5 प्ले कर रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल के ऊपर डायरेक्टली प्ले कर रहा हूँ। मैंने अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल को रिमोट करके अपने मोबाइल में प्ले की है GTA 5, अपने PC में डायरेक्टली मैंने प्ले की है, जो कि मेरे मोबाइल के ऊपर चल रही है। मैंने इस वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी है, क्योंकि इसकी लोडिंग के ऊपर काफ़ी टाइम लगता है। ये देखिए मेरे पास GTA 5 असल ओपन हो चुकी है गाइज़। इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल के साथ OTG केबल के ज़रिए माउस कनेक्ट कर लें या कीबोर्ड कनेक्ट कर लें, उससे आप अपने गेम को बड़े अच्छे तरीके से अपने मोबाइल में डायरेक्टली खेल सकते हो। ये देख सकते हैं आप, मैं अपने मोबाइल में डायरेक्टली बहुत अच्छे तरीके से फुल स्पीड के साथ GTA 5 खेल रहा हूँ। थोड़ा बहुत आपके पास लैग आ सकता है आपके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, लेकिन गेम परफेक्टली चलेगी बहुत अच्छे ग्राफिक्स के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी आपको आज की ये वीडियो। मैंने बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये वीडियो आप तक पहुँचाई है, तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। इंजॉय करें इस गेम को। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने 100% प्रूफ के साथ आपको ये वीडियो दिखाई है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। आप इसको यूज़ करके अपने फ्रेंड्स को अमेज कर सकते हो, और आप बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक है गाइज़ ये।
ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक डैट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की आने वाली बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आप भाइयों को नोटिफिकेशन मिल गया करेगा अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस करें। अगर आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ज़रूर करें सब्सक्राइब और ज़रूर करें नोटिफिकेशन को अनेबल। उसके अलावा इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल के ऊपर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसके नीचे कमेंट ज़रूर करें गाइज, और लाइक भी ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।